अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक ही टाइम पे दो ऐप्स को या दो फाइल्स को कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने ये एक ऐप ओपन की है। इसी तरह मैं दूसरी ऐप को भी ओपन करती हूँ। तो ये देखें, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएँगे शार्ट्स में से। और ये देखें, ये एक ही टाइम पे आप दो ऐप्स को यूँ ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आप देखें, ये जहाँ पे ये बार सी बनी हुई है दोनों स्क्रीन के दरमियान, यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करें। अगर इनमें से आप किसी स्क्रीन को ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं, फर्स्ट पे रखना चाहते हैं, तो आप उसको मूव करके फर्स्ट पे लेके जा सकते हैं। इसी तरह सेकंड वाली को फर्स्ट पे, फर्स्ट वाली को सेकंड वाली की पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह रिसेंट फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे जो आपको सामने स्क्रीन पे दो डॉट्स शो हो रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से भी आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करके और इसके साथ दूसरी फाइल अगर आप ओपन करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसको भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कुछ जो ऐप्स हैं वो स्प्लिट स्क्रीन को अलाउ नहीं करती, उस पर फंक्शनल नहीं होती। अच्छा, ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक और फाइल ओपन की है। तो यूँ रिसेंट फाइल में भी जाके आप इस तरह स्क्रीन को स्प्लिट करके एट द सेम टाइम दोनों स्क्रीन्स को या दोनों फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। इनमें से अगर आप किसी फाइल को लॉक या मैनेज करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई तरीका आपको मुश्किल लगता है, तो एक और तरीका आपको बताते चलूँ कि स्क्रीन, जिस स्क्रीन को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें, उसको ड्रैग करें तीनों फिंगर से ऊपर की जानिब। तो ऊपर की जानिब क्लिक करने से ये देखें, स्क्रीन जो है वो स्प्लिट हो चुकी है। और अगर इस तरह आप किसी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं और सेकंड फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो इजीली ओपन कर सकते हैं। और ये सबसे आसान मेथड है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।